students, welcome to Malika's literature classes. I just hope you all are doing well in your lives and jitne bhi maine videos upload kiye hain aap logon ne dekh liya hoga, us acche se samajh liya hoga. Agar aapko koi bhi questions hai, koi bhi aapki queries hai, so please comment me in my comment section. Okay, so let's start today's session, today's video. And aaj hum padhne wale hain A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris. Before starting this poem, I just want to tell you something about the poet of this poem. Basically, जो Leslie Norris है बेटा, वो Welsh poet है. Welsh is a country in United Kingdom, along with England and Ireland. So, अपने time के बहुत ही prominent writer रहे हैं, post-war writer रहे हैं. And और क्या बता सकती हूँ मैं इनके बारे में? और प्रोफेसर रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने पढ़ाया है, जिसमें ब्रिटेन में पढ़ाया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पढ़ाया है. एंड वेल्श अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस थे. आज भी उनकी जब पोएम्स पढ़ी जाती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड पोएम्स के साथ उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं. सो ज़्यादा डाइव इन नहीं करेंगे उनकी लाइफ के बारे में. दैट्स इट फॉर द पोएट. And let's start. Sorry. Brief introduction देती हूँ बेटा poems शुरू करने से पहले. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आप लोगों को नहीं करनी. अगर मैं क्लास में होती तो मैं करवाती, लेकिन ये चीज़ इतनी ही है कि इस पोएम में क्या है बेटा, कि एक टाइगर की जद्दोजहद को दिखाया गया है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है. क्योंकि नेचुरल, जैसे आपको पता है कि एनिमल का जो नेचुरल, स्पेशली टाइगर का जो नेचुरल होम होता है, जो घर होता है, वो जंगल होता है. अगर उसको निकाल कर दूसरी जगह पे लेकर आया जाता है और उसे पिंजरे में रखा जाता है, वो कैसा फील करता है, वो कितना अपसेट होता है, उसके अंदर कितना ज़्यादा एंगर होता है. क्योंकि टाइगर जो होता है वो अपने एंगर के लिए जाना जाता है, अपने फ्योर्स बिहेवियर के लिए जाना जाता है. लेकिन किस तरीके से वो अब उस पिंजरे में बंद है, एंड किस तरीके से अपने इमोशंस को, अपने एंगर को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एंड हर वक्त उस जंगल के बारे में सोच रहा है. फॉर एन इंस्टेंस बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो कैसा फील कर रहे हैं. आप अपने ऊपर वो फील करके देखो, या इमेजिन करने की कोशिश करो कि हम कैसे, हमारे घर से अगर कोई हमें निकाल दे और कहीं बंद कर दे तो हमें कैसा फील होगा. देयर आर थ्री क्रिएशंस विच गॉड क्रिएटेड. द फर्स्ट वन इज़ नेचर, द सेकेंड वन इज़ एनिमल, एंड द लास्ट वन इज़ ह्यूमन्स. बट ह्यूमन जो होते हैं सबसे लास्ट में आए हैं. मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कंपेरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा इन्फीरियर होते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा खुद को सुपीरियर समझते हैं. अपने बेटरमेंट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए हम दो क्रिएशंस को हार्म करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो एनिमल्स हो. बट हमें पता है कि जब वो एक्सप्लॉयटेशन पे अगर आएंगे, अगर वो हमें हार्म करने की कोशिश करेंगे, सो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. रिसेंटली हम एक डेंजरस वायरस को फेस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमने नेचर को इतना ज़्यादा हार्म किया है कि अब नेचर हमें हार्म करने की कोशिश कर रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि बेटा हमें किसी को डोमिनेट नहीं करना है. हम थ्री क्रिएशंस अगर इस वर्ल्ड के लिए बनाए गए हैं, सो इन तीनों का यहाँ घर है. सो हमें एक पार्टनरशिप वाला इन्वायरमेंट फॉर्म करना चाहिए, ना कि डोमिनेंस वाला. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब मिलकर रहें, साथ में रहें, और किसी का घर ना छीनें. जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को ख़त्म करते हैं, एंड किसी का घर छीन रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम अपना ज़बरदस्ती का घर बना पाएँ. पॉपुलेशन अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, एंड हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सीड कर रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं जो प्लेस दूसरे क्रिएशंस की है. सो हमें उसके इमोशंस को समझना चाहिए, एंड हमें एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए, उन्हें कैद में नहीं रखना चाहिए. उनकी सही प्लेस फॉरेस्ट में है, सो हमें उन्हें फॉरेस्ट में ही रहने देना चाहिए. यहाँ पे इस पोएम में लेस्ली नॉरिस ने इतनी ब्यूटिफुली डिपिक्ट किया है टाइगर के इमोशंस को, कि वो किस तरीके से फील कर रहा है केज में, एंड वो किस तरह से फील करता अगर वो जंगल में होता, अगर वो फॉरेस्ट में होता तो. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on the paths of velvet quiet in his quiet rage.
अब यहाँ पर इमेजरी का यूज़ किया है पोइट ने, किस तरीके से जब मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग तुरंत इमेज क्रिएट होगी आप लोगों के मन में। एक पिंजरा है, एक केज है, ठीक है। जैसे कि आप लोग, हम लोग सब लोग जू में गए हैं, हम सब लोगों ने एंजॉय किया है ना, बिना सोचे समझे कि ये जो एनिमल्स हैं, ये जो टाइगर है, उनका जो एक्चुअल प्लेस है फॉरेस्ट है। बट इसको पढ़ने के बाद डेफिनेटली अगर आप नेक्स्ट टाइम जू में जाते हैं तो शायद आप उन एनिमल्स के इमोशंस को समझ सको कि वो कितने परेशान हैं एंड उनका घर वो नहीं है, उनका घर जंगल है। सो एक टाइगर है, वो अपने केज में धीरे धीरे चल रहा है। स्टॉक यहाँ पर बेसिकली बेटा अगर मीनिंग देखी जाए तो स्टॉक मतलब होता है किसी का पीछा करना, बट यहाँ पर जो मीनिंग है वो ये है वॉक करना, बहुत ही धीमी गति से वॉक करना। एंड किस तरह का अगर टाइगर है, आप लोगों ने देखा होगा टाइगर को तो येलो कलर का होता है, उसके जो स्ट्राइप्स होते हैं वो एकदम ब्राइट ब्लैक कलर के होते हैं। विविड मतलब कि ब्राइट, एक्सट्रीमली ब्राइट। सो टाइगर का आप इमेजिन कर रहे हो वो धीरे धीरे वॉक कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस केज नहीं है, सो ज़्यादा वो दूर तक चल नहीं पा रहा है, फिर वो टर्न कर रहा है। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि फॉरेस्ट एकदम वास्ट होता है, ठीक है ना, उसका कोई बॉटम नहीं होता, बस चलते जाओ। बट यहाँ पर जो टाइगर है उसको बहुत ही एक लिमिटेड स्पेस दिया गया है। एंड किंग ऑफ जंगल माना जाता है, एक किंग को एक जगह पे बंद करके रखा गया है जहाँ पर वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, उसको उतनी स्पेस भी नहीं मिल पा रही है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर कि दो बारी क्वाइट का यूज़ हुआ है, इसका मतलब कि रेपिटेशन पोइटर डिवाइस का यूज़ हुआ है। क्वाइटनेस का क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले कि जो टाइगर चल रहा है उसके पॉज को, उसके पंजे को वेलवेट से कंपैरिजन किया गया है, मेटाफर यहाँ पर यूज़ हुआ है। यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्वाइट का यूज़ इसलिए हुआ है, वेलवेट का यूज़ इसलिए हुआ है कि टाइगर ना लीप कर सकता है और ना ही रन कर सकता है। सो जिस गति से चल रहा है, जिस धीमी गति से चल रहा है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है उसके पैरों की, एंड इसलिए वो बहुत ही सॉफ्टली कदम रख रहा है। उस सॉफ्टनेस को कंपेयर किया गया है वेलवेट से, क्योंकि जो वेलवेट फैब्रिक होता है बेटा बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। तो उसके पॉज को किससे कंपेयर किया गया है, वेलवेट से कंपेयर किया, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत ही सॉफ्टनेस से वो अपनी चाल को चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज, रेज मतलब कि ऐसा एंगर जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सट्रीम काइंड ऑफ एंगर। एंड जब एंगर होता है तो हम बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं ना, सामान फेंकना, चिल्लाना, लेकिन साथ ही साथ रेज के साथ एक और वर्ड का यूज़ हुआ है जिसका मतलब है क्वाइट। सो यहाँ पे ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है, बिल्कुल दो अपोजिट चीज़, एक ऐसा एंगर जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता एंड साथ ही में क्वाइट। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं पोइट, यहाँ पे बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा एंग्री है, इतना ज़्यादा फिरोशियस है, इतना ज़्यादा फ्योर्स है, बट वो कंट्रोल भी कर रहा है, वो क्वाइट भी है, इसलिए बिकॉज वो हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो एक केज में है। अगर वो जंगल में होता, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, अपने घर पर होता, तब अगर टाइगर रेज में आता है तो वो कितना वॉयलेंट हो जाता है, ईच एंड एवरी वन नोज अबाउट इट। सो यहाँ पे क्वाइट मतलब कि उसके हेल्पलेसनेस को शो किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। फर्स्ट जो बेटा पैरा है वो केज का है, केज का सीन दिखाया गया है कि किस तरीके से एक्चुअल जो प्रेजेंट सिनेरियो है टाइगर की वो कैसी है। अब सेकेंड पैरा जो है ये सिनेरियो दिखाया जा रहा है कि अगर टाइगर जंगल में होता तो वो क्या होता, ठीक है ना, वो कैसा बिहेवियर उसका होता। क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं वो टाइगर जो होते हैं वो किंग होते हैं जंगल के, उनको कोई उनको बांध के नहीं रख सकता, उनको कोई सफोकेट नहीं फील कर सकता, वो जो चाहे अपने मर्जी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल प्लेस पे जब टाइगर होता है तो उसका नेचर कैसा होता है। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, कहाँ होना चाहिए उसे, उसे जंगल में होना चाहिए और उसे लॉन्ग लॉन्ग ग्रास के पीछे जो है उसे, जैसे नहीं टाइगर किस तरीके से अपने हंटिंग करते हैं, पहले वो छुपे रहते हैं एक ग्रास के पीछे, लॉन्ग लॉन्ग ग्रास के पीछे झाड़ियों में छुपे रहते हैं वो, एंड जहाँ पर कुआं होता है, जहाँ पे पानी होता है, वहाँ पे छुपे होके वेट करते रहते हैं डियर का, ठीक है, स्पेशली डियर का वो वेट करते हैं सो दैट कि वो जब आए एंड
तुरंत उसको उस पर लीप करके उसको वो खा जाए. उनका फेवरेट जो होता है वो फूड होता है, वो जो होता है वो डियर होता है. सो वो केज में उनकी जगह नहीं, उनकी जंगल में जगह है जहाँ पे वो आराम से हंटिंग कर सके, जहाँ पे आराम से वो जानवर को खा सके और इस तरीके से वो लीप कर सके, रन कर सके. ठीक है. वे अ प्लम्प डियर पास नियर द वाटर होल, जहाँ पे डियर आते हैं. एंड कैसे डियर होते हैं, प्लम्प मतलब कि फैट फैट डियर, उनको टारगेट कर सके, उनकी हंटिंग कर सके. एक चीज़ याद रखिएगा कि हम ह्यूमंस हमेशा अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, दूसरों को हर्ट करने के लिए काम करते हैं. बट जो टाइगर है यहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए डियर को नहीं खा रहा है, बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए खा रहा है ताकि वो जिंदा रह सके. एंड एक और चीज़ है कि अगर टाइगर ना खाए तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है. तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, एंड कोई स्पीसीज बहुत ज़्यादा एक्सीड ना करे पॉपुलेशन में, जंगल का एक सिस्टम होता है एंड उसके अकॉर्डिंग दूसरा जानवर एक दूसरे जानवर को खाता रहता है, जिससे इकोसिस्टम बैलेंस रहता है एंड मेंटेन रहता है, एक्सीड ना हो पॉपुलेशन इसकी वजह से. सो यहाँ पर जो टाइगर है वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए उसे वो चीज़ करनी पड़ रही है. सो जंगल में होता तो वो लीप कर पाता, रन कर पाता, हंटिंग कर पाता एंड आराम से रहता. ठीक है. बट नाउ सॉरी और क्या करता वो जंगल में, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेररिजिंग द विलेज. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन्स है बेटा पोएम्स की. नॉर्मली क्या होता है कि जिस तरीके से हमने केज करके टाइगर को रखा है, हम एंटरटेन्ड हो रहे हैं, टाइगर की जो बिहेवियर होती है वो इतनी मतलब एंगर वाली होती है, फिरोशियस होती है, फियर्स होती है, कि अगर वो जंगल में ना कि वो डरे हमसे केज में रह के, टाइगर हमें डराते हैं. अगर हम उनके नेचुरल हैबिटेट को छीनते हैं, जंगलों को काटते हैं, तो टाइगर क्या करता है, जंगल के एज में जाकर, एकदम लास्ट में जाकर, जहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म होता है, जहाँ से पॉपुलेशन शुरू होती है हमारी, वहाँ पर जाके वो स्नार्ल करता है, ग्रॉल करता है, आवाज़ें निकालता है, गुस्से वाली आवाज़ निकालता है. एंड फैंग्स यहाँ पर बेटा की जो पॉइंटेड टूथ होते हैं ना, आपने देखा होगा जब बू खुलता है टाइगर्स का तो पॉइंटेड होते हैं, जिससे वो खाते हैं. ठीक है. जिससे वो हंट करके दूसरे जानवर्स को खाते हैं. तो वैसे टूथ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू किल समवन. सो इस तरीके से वो टेरराइज करते हैं जंगल को. एंड वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि उन्हें डरने की ज़रूरत है, ह्यूमंस को डरने की ज़रूरत है, ना कि एनिमल्स को डरने की ज़रूरत है. और अगर आप हमारे घरों को तोड़ोगे, बर्बाद करोगे, सो हम क्या करेंगे, हम आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे. हमेशा याद रखना बच्चा कि जो एनिमल्स होते हैं वो अटैक के पोजीशन में नहीं होते हैं, वो हमेशा डिफेंस के पोजीशन में होते हैं. हमारे पास समझ होती है सो हमारे पास दोनों ही चीज़ें होती हैं, हम अटैक भी कर सकते हैं, हम डिफेंस की पोजीशन में भी होते हैं. लेकिन जो जानवर होते हैं उन्हें हमेशा लगता है कि कोई अटैक की पोजीशन में हो सकता है, इसीलिए वो हमेशा डिफेंस की पोजीशन में होते हैं. एंड वो डिफेंस की पोजीशन में ही लोगों पे अटैक करते हैं. वो खुद से कभी भी किसी को हार्म करने की कोशिश नहीं करते हैं, अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो एंड कहीं ना कहीं उनकी साइकिक बिगड़ी हो. अदरवाइज नॉर्मल जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी खुद पहला इनिशिएटिव नहीं लेते हैं हार्म करने का. वो अपने आराम से अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, आराम से अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, जब तक कि हम ह्यूमंस क्या करते हैं, उन एक्सप्लॉइट एकदम एक्सट्रीम एक्सप्लॉटेशन की कैटेगरी में नहीं ला देते हैं, तब तक वो हम पे अटैक नहीं करते. सो यहाँ पर जो टाइगर है वो क्या, यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं पोएट, कि जो टाइगर है उससे हमें डरना चाहिए. वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, बट हमने क्या किया है, उन्हें केज में बंद करके रख दिया गया है, उनसे उनका घर छीन लिया गया है. लेकिन अगर उन्हें चांस मिलता है सो उनका जो बिहेवियर है वो हमसे भी ज़्यादा एंगर है, एंगर वो कैरी करते हैं, हमसे भी ज़्यादा वो फेरोशियस हैं, फ्योर्स हैं, एंड वो हमें किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हमें किसी तरह से भी हार्म पहुंचा सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर किंग का भी एक रोल प्ले कर रहा है टाइगर, कि पूरे जंगल को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड टेररिज़ करके रख रहे हैं ह्यूमंस को, कि वो उस फॉरेस्ट में एंटर ना करें, क्योंकि टाइगर सिर्फ अपने आप को नहीं बाकी एनिमल्स को भी सेव करने की एंड सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है. बट ही इज़ लॉक्ड, अब फिर से हम बैक टू ज़ू में आ गए हैं जंगल से. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors.
कंक्रीट मतलब होता है बेटा कि इट्स अ काइंड ऑफ सब्सटेंस जिससे हम बिल्डिंग्स एंड ब्रिज एंड चीज़ें बनाते हैं, ठीक है ना. मिक्सचर ऑफ सैंड स्टोन सीमेंट, और बहुत ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ को हम फॉर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है. सो उस तरीके का वो उस केज में रखा गया है, एक कंक्रीट सेल है जिसको ब्रेक करना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और उसकी जो स्ट्रेंथ है जो फॉरेस्ट में दिखती है, किस तरह से वो ह्यूमंस को टेरराइज करके रखते हैं सो दैट कि उनके घरों पे वो इन्वेजन ना कर सके, आक्रमण ना कर सके. लेकिन यहाँ पर वो क्या है, उनकी स्ट्रेंथ बार के पीछे है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हेल्पलेस हैं, वो बस इमोशंस को बिल्डअप कर रहे हैं, बट वो अंदर ही अंदर उनका जो रेज है वो अंदर ही है. अगर उन्हें चांस मिलेगा तो वो दिखा सकते हैं, बट उन्हें बंद करके रखा गया है एंड सफोकेट किया जा रहा है, ठीक है. Stalking the length of his cage, ignore a visitor. And बस वो चलते रहते हैं बस जितनी उनको एक होता है ना कि स्पेशियस जगह नहीं मिली है, बहुत ही कंसीटेड जगह मिली है, बस उस पर वो वॉक करते रहते हैं. एंड जो भी विजिटर्स उन्हें देखने के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, वो बिल्कुल उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं शौक लगा है कि वो हमें एंटरटेन करें. अब आप नेक्स्ट टाइम जू में जाओगे तो आप देखोगे कि टाइगर बेसिकली आपको नहीं देखते हैं, वो अपने में ही वो मगन रहते हैं, वो बिल्कुल भी इग्नोर करते हैं हमें क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो अपना अटेंशन दे सके. वो नाराज़ हैं, वो एंग्री हैं हमसे क्योंकि हमने क्या किया है, उन्हें जू में बंद करके रखा है, उन्हें केज में बंद करके रखा है, उनके घर को छीन लिया है. सो वो नाराज़ रहते हैं, वो एंगर है. और दिस इज़ द रीज़न दैट कि अगर एक बारी आप केज का दरवाज़ा खोल दो तो वो अपनी फेरोशियसनेस किस तरीके से दिखाएंगे, ईच एंड एवरीवन नोज अबाउट इट. सो पोएट यहाँ पर इस पोएम के जरिए बस इतना मैसेज देना चाह रहे हैं कि प्लीज़ 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 ये टाइगर की जगह जू में नहीं है, केज में नहीं है, वो जंगल में रहने वाली जगह है जहाँ पर वो लीप कर सके, रन कर सके, हंट कर सके, टेररइज कर सके. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब यहाँ पर क्या है कि जो last voice आती है उनको, सब जा चुके हैं, zoo का दरवाज़ा बंद हो चुका है, but patrolling के लिए, patrolling मतलब बेटा कि जो पुलिस की cars होती हैं safety issues के लिए किसी area को वो patrol करती रहती हैं बार बारी, कुछ घंटों पे या कुछ minutes पे, 15 to 20 minutes वो बार बारी उस area के पास आती हैं, check करती हैं कि सब कुछ secure तो है ना, सब कुछ safe है ना. So लास्ट तक वो सोते नहीं है क्योंकि वो पेट्रोलिंग कार्स को आते हुए देखते हैं और उसके लाइट की वजह से उनकी आंख चुभती है. इस वजह से उसको ध्यान ना देकर वो आसमान की तरफ देखते हैं एंड जो स्काई है वो फुल ऑफ स्टार्स है, ब्रिलियंट स्टार्स शाइन कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं. एंड यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है स्टार्स के जो शाइननेस को टाइगर के ट्विंकलिंग आईज से. यहाँ पर अपसेटनेस की वजह से जो उनका जो आँख है वो क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है टर्स की वजह से. एंड वो स्टार्स को देखकर इमेजिन कर रहे कि काश जिस तरीके से स्टार्स फ्री है, कोई कंक्रीट सेल में नहीं है, उसे केज करके नहीं रखा गया है, वो भी होप करते हैं कि उन्हें भी जंगल भेज दिया जाए एंड इसी तरीके से वो भी एक लाइफ को जी पाए जो जहाँ पर वो फ्यूरलेस हो सकें, जहाँ पे अपने फ्रस्ट्रेशंस को वो शो कर सकें एंड जहाँ पे वो फ्रीली जी सके जैसे कि स्टार्स स्काई में हैं. जितना आप लोगों को फ्रीडम देते हो, जितनी आज़ादी मिलती है, उतना आप निखर कर आते हो, आप उतना ही ब्राइट होते हो. सो सिमिलरली अगर आप केज में बन करके रखोगे तो अभी भी होप है. टाइगर की जो आंखें हैं, जो ब्रिलियंट आईज बोला गया है, एक होप रिसाइड करती है, एक ब्राइटनेस रिसाइड करती है कि मे बी वन डे वो जंगल में हो. एंड इस होप के साथ वो स्टार्स को देखते हैं एंड एक फ्री लाइफ का होप करते हैं, एक फ्री लाइफ का ड्रीम रखते हैं. सो इस पोएम को पढ़ने के बाद आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम किसी को भी केज करके नहीं रख सकते हैं. चिड़िया चाहे कितना भी खाने बिना मर रही है, अगर आप उसको एक सोने के पिंजड़े में भी बंद करके हर चीज़ें प्रॉपरली प्रोवाइड करते हो, उसे नहीं पसंद आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाएगी जब तक कि वो खुले आसमान में उड़ने का आप चांस नहीं देते हो. हर क्रिएशंस बेटा स्पेस चाहता है, फ्रीडम चाहता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसे वो फ्रीडम मिले.
क्योंकि वो एक फंडामेंटल राइट होता है जो हम एनिमल्स का छीन लेते हैं, जो हम बाकी क्रिएशंस का छीन लेते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें बेनिफिट जू से कितनी ज़्यादा हमें बेनिफिट होती है, कितने ज़्यादा इनकम होते हैं हमें एंड किस तरह से हम इंटरटेन्ड होते हैं दूसरे एनिमल्स को देखकर एंड दूसरे क्रिएशंस को देखकर. इट्स नॉट राइट अकॉर्डिंग टू पोइट एंड अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो. एंड मे बी आपका अलग परसेप्शन हो सकता है, अपने परसेप्शन को आप लिख सकते हो कॉमेंट में. ठीक है, मैं पढ़ना चलू जाऊँगी. चलो लेट्स डिस्कस पोइटिक डिवाइसेस. बिफोर राइम स्कीम देख लेते हैं. स्ट्राइप स्केच क्वाइट रेज, देखते हैं कि क्या है. स्ट्राइप्स ए, केज एंड स्ट्राइप स्मैश नहीं कर रहा है ना, तो बी. क्वाइट एंड स्ट्राइप स्मैश नहीं कर रहा है ना, तो सी. एंड केज एंड रेज मैच कर रहा है बेटा. सो ए बी सी बी. एंड पूरी पोयम में यही राइम स्कीम कंटिन्यू है थ्रू आउट द पोयम. शेडो ए, ग्रास बी, होल सी एंड ग्रास पास बी, ए बी. तो क्या पूरा आप जब चेक करोगे तो आपको यही राइम स्कीम मिलेगी, ए बी सी बी. सो जब पूछा जाएगा कि अ टाइगर इन द जू राइम स्कीम क्या है, द राइम स्कीम ऑफ दिस पोयम इज ए बी सी बी. बस ए बी सी बी, क्योंकि थ्रू आउट द पोयम यही राइम स्कीम को लिखा गया है. ओके, अब देखते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुए हैं. सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है बेटा वो है पर्सोनिफिकेशन ही. ठीक है, हमने क्या किया है, हमने पोएट ने क्या किया है, पोएट ने टाइगर को ह्यूमन एट्रीब्यूट, ह्यूमन फीलिंग्स दी है एंड ही का यूज़ किया. नॉर्मली हम एनिमल्स के लिए किस कौन से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं, बट ही बोला गया. एंड थ्रू आउट द पोएम हमने एक टाइगर को एक ह्यूमन की तरह देखा है, वो गुस्सा है, वो फील कर रहा है, वो रो रहा है, वो हेल्पलेस है. ये सारे इमोशंस ह्यूमंस के होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो पोएट है वो ह्यूमन एट्रीब्यूट दे रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, यहाँ पर यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन का. पॉज करके आप स्पेलिंग लिख सकते हो. नेक्स्ट है बेटा कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है, मेटाफर का यूज हुआ है वेलवेट को लेकर. यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेटाफर वेलवेट से कंपैरिजन किया गया है उसके पॉज को. सो यहाँ पर होगा मेटाफर. ठीक है, एम ई टी ए पी एच ओ आर, मेटाफर. ओके, नेक्स्ट है इंजैबमेंट का. आप लोगों ने देखा इंजैबमेंट का भी यूज़ हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो इंजैबमेंट का यूज़ कैसे हुआ है. आई एम सॉरी, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है स्ट्राइप्स के बाद एंड दूसरी लाइन को कंटिन्यू हुआ है, तो यहाँ पे इंजैबमेंट का यूज़ हुआ. ई एन जे ए एम बी ई एन टी, इंजैबमेंट. ओके, एंड पूरी पोएम में आपको यहाँ पर भी दिख रहा है स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास near the water hole where the plum deer pass. So जहाँ जहाँ पे punctuation mark use नहीं हुआ होगा and दूसरी line को continue जाता होगा वहाँ पे enjambment का use हुआ है. ठीक है, पूरी poem में आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे हुआ है enjambment का use. Okay, next है बेटा एलिट्रेशन एंड कॉन्जोनेंस एंड एजोनेंस का तो भर भर के यूज हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि इमेजरी का कहाँ पे यूज हुआ है. इमेजरी का ये दोनों ही पैरा में, सेकेंड पैरा एंड थर्ड पैरा में इमेजरी का यूज हुआ है, फर्स्ट पैरा में भी इमेजरी का यूज हुआ है एंड लास्ट पैरा में भी इमेजरी का यूज हुआ है. क्योंकि तुरंत तुरंत आप इमेजिन कर रहे हो किस तरीके से, जैसे कि आप सेकेंड पैरा में देखो तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि एक टाइगर है जो ग्रास के पीछे छुपा हुआ है एंड वो वेट कर रहा है अपने अपने खाने का, वो प्लम्प डियर का, कि जिस तरीके से वो लीप कर सके, रन करके उसको हंट कर सके. एंड आप देख रहे हो दूसरे पैरा में भी किस तरीके से आवाज निकाल रहा है. इमेजिन करिए फास्ट फास्ट स्नान कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है ताकि वो ह्यूमंस को डरा सके. ठीक है, एंड आपने फर्स्ट पैरा में भी देखा किस तरीके से वॉक कर रहा है धीरे 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 धीरे, सारी चीज़ें आप इमेजिन कर पा रहे हो, एक इमेज क्रिएट हो रही है आपके माइंड में. सो जब भी आपके माइंड में रीडर्स, जब भी आप कोई पोयम पढ़ते हो एंड कोई भी लाइन जब आती है एंड तुरंत आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है, वहाँ पे इमेजरी का यूज़ होता है. और एक और पोएट डिवाइस का यूज़ हुआ है जो है स्नालिंग, ये है साउंड. एनोमेटोफिया का यूज़ किया गया है बेटा यहाँ पर. एनोमेटोफिया मतलब कि कोई ऐसा वर्ड का यूज़ करना जो साउंड क्रिएट करता हो, जैसे कि बज, हिस, क्वैक क्वैक. सो स्नालिंग जो होती है वो क्या है, वो साउंड क्रिएट, ये जो है साउंड है, इसलिए यहाँ पर एनोमेटोफिया का यूज़ हुआ है. और बहुत सारे पोएट डिवाइसेस में से एलिट्रेशन को देखते हैं कि एलिट्रेशन कहाँ पर यूज़ हुआ है. प्लम पास,
एक लाइन में दो बारी पप आया है, सो यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है? एलिटरेशन का यूज हुआ है, ठीक है. एंड ओके, देखते हैं और कहाँ पे यूज हुआ है. ज साउंड बेटा, मैंने कहा आप लोगों को कॉन्सोनेंस बताया है. एलिट्रेशन जहाँ पे वर्ड के जो वर्ड का फर्स्ट 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 अल्फाबेट हो वो बार बारी हो, सौ 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 से शुरू हो, जैसे चंदू की चाचा ना चंदू की चाची को चौ छः बार बारी आ रहा है. कॉन्सोनेंस होता है बेटा कि कॉन्सोनेंट साउंड कहीं पर भी आ सकते हैं, बीच में भी एंड में भी. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड यूज हुआ है. स्टेप्स हिज, ठीक है. सो एंड केज, his case, z z sound repeat हुआ है. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे socks, his, stripes, स sound repeat हुआ है, तो यहाँ पे consonants होगा. ओके, बाकी आप लोगों ने आप चेक कर लीजिएगा खुद से, थोड़ा बहुत आप खुद से करो, होमवर्क करो कि कहाँ कहाँ पे और भी आपको पोर्टेड डिवाइसेस मिल रहे हैं. अगर आपने करेक्ट बताया सो मैं उन बच्चों का नाम लूँगी एंड उनको अप्रिशिएट करूँगी अपने वीडियो में. सो आप देखिए कहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, कहाँ पर एजोनेंट साउंड आ रहा है. एंड अगर आपने करेक्ट किया दैट मीन्स कि आपने बहुत अच्छे से पोर्टेड डिवाइसेस को समझ लिया है. और कोई बस इतना ही है बेटा. यहाँ पे ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट को भी यहाँ पर मेटाफर बोल सकते हो कि स्टार्स की ब्रिलियंसी को टाइगर के आइस की ब्रिलियंसी से मैच किया गया है, उनके टिंगलिंग को, उनके शाइनिंग को मैच किया गया है, तो यहाँ पर मेटाफर होगा. ओके, बाकी दैट्स इट फॉर टुडे. एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर पोएम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. एंड आई नो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया गया होगा कि इस पोएम से क्या सीखने को मिला. डोंट हार्म एनी अदर क्रिएशन बेटा, बिकॉज जैसे आपको राइट है रहने का, जिस तरह से आपको राइट है अपनी ज़िंदगी बिताने का अपने अकॉर्डिंग, वैसे एनिमल्स को एंड दूसरे नेचर के नेचर जो भी क्रिएशंस हैं उनको भी उतना ही राइट है. सो डोंट केज एनी एनिमल, बांध कर मत रखो उन्हें, फ्रीडम दो, फ्रीली छोड़ो, बिकॉज इट इज डिजर्व, वो उतनी ही हैप्पीनेस, उनको नेचुरल हैबिटेट में रहने दो. एंड डोंट कंट्रीज, उनके होम्स को बर्बाद ना करो. अगर आप कोई ज़मीन लेते हो, घर लेते हो, आपके पेरेंट्स लेते हैं, हम क्या करते हैं बेसिकली वहाँ पे अगर पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तुरंत हम काटना पीटना शुरू कर देते हैं सो दैट कि हम अपना होम बना सके. डोंट डू दिस दैट काइंड ऑफ थिंग. मेक देम अंडरस्टैंड कि वो किसी का घर है. अगर आप पेड़ को काट रहे हो तो वो पेड़ों का घर है, अगर वो बहुत सालों से वहाँ पर हैं और आप किसी को हटा दो इस राइट से सिर्फ एक पेपर के बेसिस पे कि ये हमारी ज़मीन है, इट्स रॉन्ग. तो एनिमल्स को हार्म मत करो, वो भले बोल नहीं पाते हैं बट वो भी वैसे ही इमोशंस फील करते हैं जैसे कि हम फील करते हैं. उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी रोना आता है, उन्हें भी तकलीफ होती है. सो पार्टनरशिप में रहो, डोमिनेंस में मत रहो, जैसे कि उनका भी हक है और आपका भी हक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे. बाय बाय.